हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, जो डाका डाला जी वही मैं उसी पे आ रही थी कि लेकिन वो डिस्टेबलाइज हुई कुछ समय के लिए, अभी लग रहा है कि स्थिर है। स्थिर है सरकार। क्या कारण था कि सरकार में ऐसा हुआ, क्यों इतना कैसे परेशान हो गए अपनी ही पार्टी से कुछ विधायक? खरीद फरोख्त जो है पैसा दिया, सुना है कि 25-25 करोड़ रुपया दे के सब खरीद लिए सबने, ठीक है, और सरकार हमारी जाती। पर जयराम ठाकुर का कहना है कि ऑपरेशन लोटस की कोई तैयारी नहीं थी और कांग्रेस की अपनी खामियों की वजह से सरकार गिरी। नहीं ऐसा ऐसा कुछ अगर नहीं। ऐसा होता तो क्या वो घुमाने लेके जाते इन लोगों को, बिंदल जी त्रिलोक जम्वाल जी इनके साथ घूमते रहे हर जगह, तो क्या वो वैसे घूम रहे थे? आप खुद ही सोचिए, ये तो सर्वविदित है, सबको सब जानते हैं इस चीज को।